सिंगर आशा भोसले के बेटे आनंद की हाल ही में तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आनंद अचानक ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। आनंद को हल्की चोटें भी आई हैं। आनंद को आईसीयू में भर्ती कराया गया था, वह फिलहाल खतरे से बाहर है और जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए हैं। आशा भोसले इस वक्त बेटे आनंद के पास ही हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ये घटना हुई। एक सोर्स ने बताया कि अचानक ही आनंद बेहोश होकर गिर पड़े, जिसको कुछ समझ नहीं आया और घर वाले बुरी तरह डर गए। मुंबई में मौजूद परिवार के अन्य लोग भी लगातार संपर्क में बने हुए हैं और आनंद का हालचाल ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त आशा भोसले दुबई में ही थी। वह अभी बेटे की देखरेख के लिए वहीं रुक गई हैं। बता दें कि आशा भोसले के 3 बच्चे थे। सबसे बड़े बेटे हेमंत भोसले और म्यूजिक डायरेक्टर की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। वह 66 साल के थे और कैंसर से पीड़ित थे। हेमंत भोसले अपने आखिरी दिनों में स्कॉटलैंड में रह रहे थे, वहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली। हेमंत भोसले ने कई फिल्मों के लिए गाने कंपोज किए और फिल्म फेयर से लेकर संगीत नाटक एकेडमी और 2 नेशनल अवार्ड भी जीते। आनंद आशा भोसले के सबसे छोटे बेटे हैं और बिजनेस और फिल्म डायरेक्शन से जुड़े हुए हैं। आशा भोसले की एक बेटी भी थी वर्षा, जिन्होंने 2012 में खुदकुशी कर ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्षा ने खुद को पिस्टल से शूट किया था। पुलिस ने बताया था कि वह लाइसेंस पिस्टल थी। वर्षा मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर प्लेबैक सिंगर थी। यह एक कॉलमनिस्ट भी थी। वर्षा ने 2008 में भी नींद की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह काफ़ी वक्त से डिप्रेशन में चल रही थी।